आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, मतलब जो आप मैसेज भेजते हैं वो आप पढ़ सकते हैं या जिसको आप भेज रहे हैं मतलब रिसीव करने वाला है जो वो पढ़ सकता है, यहाँ तक कि जो WhatsApp है वो भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकती, मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। मतलब यहाँ से आपका मैसेज लॉक हो जाता है और वहाँ पर जो रिसीव कर रहा है उसके पास अनलॉक हो जाता है, और इस अनलॉक करने की कीज सिर्फ आपके पास हो सकती है या उसके पास होती है। ये आपकी WhatsApp होती है जो अनलॉक की आपके पास या उसके पास होती है। इसी वजह से दोस्तों जो WhatsApp है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्राइवेट एक कंपनी है, मतलब बहुत सारे लोग इसको इसी वजह से यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब हम किसी WhatsApp ग्रुप चैट या किसी पर्सन को आईडी को रिपोर्ट करते हैं तो WhatsApp कैसे पता चल जाता है कि WhatsApp को यह हमारी जो इसने मैसेज किया है ये गलत है, या इसको जो मैसेज ये ग्रुप में आया है जो जो आपने किसके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, आप ग्रुप में खिलाफ भी रिपोर्ट कर सकते हैं ग्रुप पे भी, और इसके अलावा आप चैट भी कर सकते हैं और मैसेज के खिलाफ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, तो WhatsApp को कैसे पता चल जाता है, क्योंकि WhatsApp तो एक एंड टू एंड इंक्रिप्शन है जो इसमें आपको कोई भी नहीं पढ़ सकता आपका मैसेज, तो WhatsApp कैसे पता कर लेता है कि आपका जो मैसेज है ये आपका जो आपको मैसेज किया गया है ये आपका गलत है, ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो गाइस क्या होता है कि जब भी आप किसी को रिपोर्ट करते हैं तो आप WhatsApp को ये परमिशन दे देते हैं कि भाई आओ ये मैसेज मुझे आया है, ये मुझे मुश्किल पेश है, ये मुझे गलत चीज़ें सेंड कर रहा है, तो भाई आओ इसको चेक करो ये मुझे क्यों कर रहा है ऐसा, ये अगर ये कुछ गलत कर रहा है तो आप भाई इसको बंद करो, इसका नंबर बैन करो। तो इसी वजह से आप रिपोर्ट करते हैं कि भाई इसके खिलाफ कोई एक्शन लो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। गाइस ये रिपोर्ट जो करते हैं ये आपकी जो मोबाइल है इसमें जो कोडिंग हुई होती है पीछे WhatsApp के, वो खुद ब खुद ही वो WhatsApp वालों को सेंड हो जाती है। आपको सिंपली रिपोर्ट के बटन पर प्रेस करते हैं तो आपकी रिपोर्ट सेंड हो जाती है, लेकिन पीछे जो काम चल रहा होता है कोडिंग के जरिए मशीन के जरिए वो आपको नहीं पता चल रहा होता, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ WhatsApp को वो चला जाता है। जब आपका मैसेज WhatsApp को चला जाता है WhatsApp टीम को, तो WhatsApp की टीम उनको मैन्युअली चेक करती है आपके मैसेज को, आपकी उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चली जाती है, आपका मैसेज चला जाता है, उनका नंबर जो आपको तंग कर रहा है उसका नंबर चला जाता है जिसके आपने खिलाफ रिपोर्ट की होती है, सब कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। वो अभी तक आप WhatsApp वालों ने बताया नहीं है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है आपकी, वैसे आपका मैसेज चला जाता है और आपकी जो डिटेल होती है काफ़ी ज़्यादा वो टीम को चली जाती है, और WhatsApp वाली टीम वो देखती है कि भाई इसमें उन्होंने क्या आपको गलत भेजा है कि आपने इस पर रिपोर्ट किया है। अगर उस बंदे ने आपको गलत कुछ चीज़ें सेंड की हैं या ग्रुप वो गलत है तो WhatsApp क्या करता है उसको 24 घंटे के लिए बंद कर देता है, उसको एक चांस मिल जाता है कि भाई 24 घंटे के लिए बंद हुआ, उसको पता चल जाता है कि ये बड़ा मेरा इसी वजह से मेरी गलती की वजह से मेरा नंबर बैन हुआ है, अगर मैं इसकी बात कोई ऐसी गाइडनेस करूँगा तो मेरा नंबर परमानेंटली क्या पता बैन हो सकता है। तो इसके अलावा भी अगर आपको किसी ने मैसेज गलत किया है तो आपने रिपोर्ट कर दिया, इसी तरह वो एक दिन में 5-6 लोगों को और गलत मैसेज कर रहा है तो लोग क्या करते हैं उसके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, जो कि लोग नहीं करते, आपको करना चाहिए, रिपोर्ट का ऑप्शन ही इसी वजह से होते हैं, अगर आपको कोई गलत चीज़ आ रही है तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए, तो आप भी रिपोर्ट किया करें अगर आपको कोई गलत चीज़ आती है तो। आपको जब रिपोर्ट करें तो आप 5-6-7 बंदे जो रिपोर्ट करते हैं आपने भी रिपोर्ट कर दी, और 5-6 बंदे जो और हैं उन्होंने भी उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी, तो WhatsApp क्या करता है उसका नंबर परमानेंटली बैन कर देता है, क्योंकि आपने अवेयरनेस की है उसकी पॉलिसी के खिलाफ, तो आपका वो नंबर बैन कर देता है परमानेंटली, तो फिर आपका नंबर नहीं चलता। इसके अलावा जो आप बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो गलत काम कर रहे होते हैं, गलत चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी हाई लेवल का मसला होता है मतलब आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाने का मसला भी हो सकता है, जैसे कि वेपन्स वगैरह की बातें होगी, दहशतगर्दी की बातें होगी या किसी को नुकसान पहुंचाने की बातें होगी, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप उस चीज़ के खिलाफ रिपोर्ट करते हैं तो WhatsApp ये नहीं सिर्फ उसका नंबर नहीं बैन करता, वो क्या करता है वो तमाम इन्फॉर्मेशन को आपके जो मुल्क के जो सिक्योरिटी अदारे होते हैं वो उनको प्रोवाइड कर देता है, कि उनको कहता है कि भाई आपके मुल्क में ये चीज़ें गलत हो रही है, आप इस पर एक्शन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी इदारों पर है कि वो इस पर क्या एक्शन करते हैं, वो लोग कुछ क्या करते हैं, क्योंकि उनके मुल्क के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई तो एक्शन लेंगे। तो इसी तरह सब कुछ रिपोर्ट का काम करता है, आप उसको खुद परमिशन दे रहे होते हैं रिपोर्ट करने की, आपने रिपोर्ट करने की उसको परमिशन खुद दी है कि भाई इसको देखो ये सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आपकी खुद परमिशन देने के बाद WhatsApp भी आपके मैसेज को रीड करता है, इसका जो भी आप मैसेज उसको भेजते हैं उसके खिलाफ
वो सिर्फ सिर्फ उसके पास वही चीज़ जाती है। इसके अलावा आपकी कोई और चीज़, किसी और का मैसेज या कोई और की व्हाट्सएप की जो आपकी चैटिंग की है, मैसेज की है, वो कोई और चीज़ नहीं चाहेगी। सिर्फ जो पार्टिकल आपके मैसेज उसको रिपोर्ट किया है सिर्फ वही जाएगा। इसके अलावा कोई आपकी इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन ही है दोस्तों, आपके कोई और मैसेज नहीं जाता। व्हाट्सएप कोई देखते भी नहीं है, कोई भी आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखता। तो मैंने आपको बता दिया कैसे व्हाट्सएप रिपोर्ट सिस्टम काम करता है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ जिनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। मुझे आप बहुत सारे लोग कमेंट में नीचे पूछेंगे भाई हमें कौन सी चीज़ें लोगों को सेंड नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से वो मुझे रिपोर्ट ना करें। तो गाइस आपको वो चीज़ें सेंड नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुँचाएँ, जिससे दूसरे नाराज़ हों। आपको कोई चीज़ ऐसी गलत चीज़ नहीं सेंड करनी चाहिए, ना ही आपको कोई दूसरे ग्रुप में किसी को ऐड करना चाहिए। अगर आप किसी को ऐड करते हैं, अगर आप उसके एडमिन हैं, तो आपको नुकसान होगा क्योंकि आपका नंबर परमानेंटली बैन होगा और आपका ग्रुप भी बैन हो जाएगा और आप बाद में कोई ग्रुप नहीं बना सकेंगे। तो मैंने आपको बता दिया जो आपको चीज़ें नहीं किसी को भेजनी, आपको वही चीज़ें भेजनी है जो दूसरा को देख के खुश हो। तो भाई खुशहाली फैलाओ व्हाट्सएप पर, आप खुशी से मैसेज करो किसी को। अगर आपको कोई काम है तो आप मैसेज करो, वरना कोई मैसेज ना करो। अगर आपने कोई गपशप लगानी है तो उसके लिए मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, वरना किसी को तंग करने के लिए आप मैसेज ना करो। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो भाई आप किसी को भी मैसेज करने के काबिल नहीं रहोगे। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।